नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश पुनिया। प्रयास ऑनलाइन क्लासेज की इस निःशुल्क परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमें अपने रीट की एग्जामों में जो प्रीवियस एग्जाम हैं, जो 2011 की जो अपनी आरटेट की एग्जाम हुई थी, उन एग्जाम के अंदर अपने ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों की यहाँ पर अपन व्याख्या करेंगे। अपने आगे की वीडियो में अपने रीट की अब तक जितनी भी तमाम परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं में अपने ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अपन उन सभी क्वेश्चनों की व्याख्या करते हुए यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अपन इस चर्चा की कड़ी में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अपने आरटेट 2011 के अंदर जो अपने राजस्थान ज्योग्राफी या इंडिया ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनकी अपन व्याख्या करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखो, रीट के एग्जाम के अंदर ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन नहीं आते, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे गहरा, सबसे उथला, जो सामान्य टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो उन क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चनों की प्रकृति को देखकर ये समझ सकते हो कि अपने एग्जामों में आगे की जो अपनी एग्जाम होगी उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देखो, पहला अपना ये क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो अपने जो संपूर्ण पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अपने 71% भाग के ऊपर, पृथ्वी के 29% भाग के ऊपर किसका विस्तार है, स्थल का, और लगभग 71% भाग के ऊपर किसका विस्तार है, जल का विस्तार है। अपने ये जो 29% भाग के ऊपर स्थलीय भाग है, अपने इस स्थलीय भाग को अपन 7 बड़े महाद्वीपों में डिवाइड करते हैं। कितने महाद्वीपों में डिवाइड करते हैं? 7 बड़े महाद्वीप। इन 7 बड़े महाद्वीपों की चर्चा की जाए तो सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा दक्षिणी अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा अंटार्कटिका। छठा सबसे बड़ा यूरोप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका। तो अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं है, ये नंबर 2 पर आता है। उत्तरी अमेरिका ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे फर्स्ट पर आता है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? एशिया। फिर अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि यू आकार की घाटी निर्मित होती है। तो अपने रेट के सिलेबस में पृथ्वी पर परिवर्तनकारी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियां हैं, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन बाह्य शक्तियों में अपने अपक्षय और अपर्दन, इन दोनों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। अपर्दन में 5 गतिशील शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो अपर्दन की जो क्रिया होती है, इस क्रिया में 5 महत्वपूर्ण गतिशील शक्तियां हैं। 5 शक्तियां कौन कौन सी हैं? एक तो अपनी नदी, यानी कि नदियां, दूसरी हिमनद, तीसरी पवन, चौथी सागरीय जल। सागरीय जल में जो गतियां होती हैं, अर्थात जो धाराएं पैदा होती हैं उन धाराओं की वजह से, और 5वां भूमिगत जल। इन 5 गतिशील शक्तियों के द्वारा अपने धरातल के बाह्य भाग के ऊपर जो समतलीकरण का कार्य किया जाता है, उस समतलीकरण के कार्य में अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, ये 3 मुख्य कार्य इन शक्तियों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो एग्जाम में, रेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अपर्दन से कौन से स्थल रूपों का निर्माण होता है और निक्षेपण से कौन से स्थल रूपों का निर्माण होता है।
तो यहां पर ये जो पांचों गतिशील शक्तियां हैं, यानी कि नदी से कौन से स्थल रूप बनते हैं, हिमनद से कौन से स्थल रूप बनते हैं, पवनों से, सागरीय जल से, भूमिगत जल से किन किन स्थल रूपों का निर्माण होता है, उनसे संबंधित क्वेश्चन अपनी रीट के एग्जाम में आता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन पूछा गया है किससे, हिमनदों से क्वेश्चन पूछा गया है। आपने हिमनद से क्वेश्चन क्या है कि यू आकार की घाटी किससे निर्मित होती है, तो ध्यान में रहे एक तो अपनी वी आकार की घाटी है, तो वी आकार की घाटी का जो निर्माण है वो हमेशा किसके द्वारा होता है, नदी के द्वारा होता है। नदी अपनी अपरदन शक्ति के द्वारा अपनी जो घाटी का निर्माण करती है, वो घाटी ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे से संकरी होती है, उसके जो किनारे होते हैं वो इस प्रकार यानी मध्यम ढाल के होते हैं, तो उस घाटी की जो शेप होती है वो अपनी वी टाइप की होती है। तो वी आकार की घाटी का निर्माण कौन करती है, नदी करती है अपनी अपरदन शक्ति के द्वारा। दूसरी बात, यू आकार की घाटी है, यू आकार की घाटी का जो निर्माण है वो हमेशा किसके द्वारा होता है, हिमनदों के द्वारा होता है। हिमनद होते हैं वो अपने स्वयं के स्तर से किसी नई घाटी का निर्माण नहीं करते हैं, जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर पहले से कोई जो घाटी बनी होती है, उस घाटी में जब हिमनदों का प्रवाह होता है तो ये हिमनद उस घाटी को चौड़ा बना देते हैं, जिसके कारण घाटी के दोनों किनारे खड़े ढाल के बन जाते हैं, और दोनों किनारे खड़े ढाल के बनने के कारण अपने उस घाटी का जो आकार है वो कैसा हो जाता है, यू आकार का हो जाता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण किनके द्वारा होता है, हिमानियों के द्वारा होता है, जबकि वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा होता है। फिर दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो जब वायुमंडल की अपन परतों की बात करें तो वायुमंडल की परतों को अपन पांच भागों में डिवाइड करते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली ये जो परत है, इस परत को अपन क्या बोलते हैं, क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को अपन क्या कहते हैं, क्षोभमंडल। वायुमंडल की दूसरी जो परत है उस परत को अपन कहते हैं समताप मंडल। कौन सी परत है, समताप मंडल। वायुमंडल की जो तीसरी परत है उसको अपन बोलते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं, मध्य मंडल। वायुमंडल की जो चौथी परत है उसको अपन कहते हैं आयन मंडल। कौन सा, आयन मंडल। और वायुमंडल की सबसे बाहरी जो परत है उस परत को अपन कहते हैं बहिर्मंडल या बाह्य मंडल, बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। तो इस प्रकार वायुमंडल की परतों को अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं, पांच भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कौन सी, क्षोभमंडल, जिसको आप ट्रोपोस्फीयर भी कह सकते हो। कौन सी, ट्रोपोस्फीयर, इसको आप ट्रोपोस्फीयर भी कह सकते हो, इसको आप सवन मंडल भी कह सकते हो, या इसको आप परिवर्तन मंडल भी कह सकते हो। परिवर्तन मंडल, सवन मंडल, ट्रोपोस्फीयर या क्षोभमंडल, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अब बात यह आती है कि इस परत को अपन क्षोभमंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि वायुमंडल में जितनी भी विक्षोभीय घटनाएं हैं, जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी डिस्टर्बेंस हैं, वो सारे के सारे कौन सी परत में घटित होते हैं, निचली ही परत में घटित होते हैं। चाहे वो आंधियां हो, चाहे तूफान हो, चाहे बादलों का बनना हो, चाहे बिजली का चमकना हो, अपने चक्रवात हैं, प्रति चक्रवात हैं, यानी कि जितने भी अपने ये जो बाधाएं हैं, विक्षोभीय घटनाएं हैं, ये वायुमंडल के निचले हिस्से में घटित होते हैं, और इन सभी बाधाओं को, इन सभी डिस्टर्बेंस को ही अपन विक्षोभ या क्षोभ कहते हैं। तो विक्षोभीय घटनाएं घटित होने के कारण ही इस निचली परत को अपन क्या कहते हैं, क्षोभमंडल कहते हैं। इसको अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरी बात, यहां पर इस परत को अपन सवन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मंडल की जो मोटाई है वो मोटाई कन्वेक्शनल करंट से डिसाइड होती है। विश्व के जिन क्षेत्रों में
कन्वेक्शनल करंट ज्यादा उठती है और वो जितनी ऊंचाई तक जाती है उतनी ऊंचाई तक अपनी इस परत का विस्तार रहता है। जैसे दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीष्म ऋतु में निम्न में से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई होगी, और उसमें आपसे ऑप्शन में चार चीजें दी जाए, पहला गोभी का मरुस्थल, दूसरा तकला मकन मरुस्थल, तीसरा सहारा मरुस्थल और चौथा आपसे दिया जाए अपने गिब्सन मरुस्थल। तो ग्रीष्म काल के अंदर आप सभी को पता है कि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है और उत्तरायण होने के कारण सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, अपनी कर्क रेखा की तरफ सूर्य की स्थिति लंबवत हो जाती है, जिसके कारण सहारा मरुस्थल काफी ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अत्यधिक गर्म होने के कारण वहां से कन्वेक्शनल करंट उठती है और ये कन्वेक्शनल करंट वायुमंडल में काफी ऊंचाई तक चली जाती है। तो जितनी ऊंचाई तक ये कन्वेक्शनल करंट जाएंगी वहां तक अपनी किसका विस्तार होगा, क्षोभ मंडल का होगा। लेकिन अगर कोई ठंडा क्षेत्र है तो ठंडे क्षेत्र में जो कन्वेक्शनल करंट है वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाती, इस कारण वहां पर उसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जहां पर सबसे ज्यादा तापमान होता है वहां पर क्षोभ मंडल की मोटाई ज्यादा होती है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां पर तापमान कम होता है वहां पर क्षोभ मंडल की मोटाई क्या होती है, कम होती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत अपनी यहां पर कौन सी है, क्षोभ मंडल है। दूसरी देखो, क्षोभ मंडल के बाद अपनी दूसरी परत आती है स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सी है, स्ट्रेटोस्फीयर। यह वायुमंडल की दूसरी महत्वपूर्ण परत है। अपन यहां पर सभी की विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहां पर जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अपने क्षोभ मंडल के ऊपर यहां पर टोपोपॉज है, क्षोभ सीमांत है, जहां पर मौसमी घटनाएं क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस क्षोभ सीमांत के ऊपर आपकी ये दूसरी परत आती है जिसका विस्तार 50 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कौन सी परत है, समताप मंडल। इसी समताप मंडल के बीच वाले हिस्से के अंदर अपने ओजोन परत का विस्तार पाया जाता है, अर्थात अपने 20-22 किलोमीटर से लेकर 35-40 किलोमीटर के बीच अपने ओजोन गैस की सक्रियता अधिक है। इस कारण इस बीच वाले हिस्से में जहां पर ओजोन गैस की सक्रियता ज्यादा है उस हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, ओजोन परत या ओजोन मंडल कहते हैं। तो ओजोन परत का जो विस्तार है वो कहां पर है, समताप मंडल के अंदर है। फिर 50 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपने यहां पर ये जो परत पाई जाती है, ये परत कौन सी है, मध्य मंडल है। फिर मध्य मंडल के ऊपर अपने 80 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 80 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहां पर जो परत पाई जाती है वो कौन सी है, आयन मंडल है। और आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे बाहरी जो परत है वो परत कौन सी है, बहिर्मंडल है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, कौन सी है, क्षोभ मंडल है। फिर क्षोभ मंडल के बाद कौन सी आती है, समताप मंडल। समताप मंडल में ही एक परत आती है, कौन सी, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल के ऊपर है मध्य मंडल और उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। तो यहां पर अपने इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, क्षोभ मंडल होगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लवणता। तो सबसे पहली बात, जब अपन बात लवणता की करें तो लवणता क्या होती है, महासागरीय जो जल है वो जल कैसा होता है, खारा होता है। उसमें कई प्रकार के लवणीय खनिज होते हैं और इन लवणीय खनिजों में सबसे ज्यादा मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड खनिज पाया जाता है जिसकी मात्रा 77.8% होती है। तो महासागरों का ये जो लवणीय जल है, इस लवणीय जल में इस लवणता को प्रति अधार में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है, प्रति अधार में व्यक्त किया जाता है। तो अब अपन इन चारों ऑप्शन के अंदर देखते हैं कि किसमें लवणता की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं यहां पर लाल सागर। तो ध्यान में रहे, अगर यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि महासागरों में सबसे ज्यादा लवणता कौन से सागर में है,
तब तो आप यहां पर कहते हैं कि महासागरों में सबसे ज्यादा लवणता किसमें है, लाल सागर में, क्योंकि लाल सागर जो है यहां पर लवणता 37 प्रति हजार से लेकर 41 प्रति हजार के बीच में पाई जाती है। जबकि अपन अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में जो लवणता है वो अपने लाल सागर की तुलना में क्या है, कम है। यहां पर जो लवणता है वो 34 प्रति हजार के बीच में, 33-34 प्रति हजार के बीच लवणता पाई जाती है, किसमें, अरब सागर में। लेकिन इस मर्त सागर की अपन बात करें तो मर्त सागर में जो लवणता है वो 238 प्रति हजार है। मर्त सागर में लवणता की मात्रा कितनी, 238 प्रति हजार, जो मर्त सागर जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर है। यह विश्व का सर्वाधिक नहीं है, अभी यहां पर ध्यान में रखना, अगर विश्व में सर्वाधिक की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में यहां पर थोड़ी त्रुटि है। इन चार ऑप्शन को देखते हुए आपका सही आंसर यहां पर होगा मर्त सागर, लेकिन मर्त सागर से भी ज्यादा लवणता लेक वोन में है। ये दोनों झील है, मर्त सागर लेक वोन, ये क्या है, झील है। तो लेक वोन के अंदर जो लवणता है वो अपने 333 प्रति हजार है, कितनी है, 333 प्रति हजार। तो विश्व में सबसे ज्यादा लवणता वाला स्थान कौन सा, लेक वोन, लेकिन इन चार ऑप्शन के अंदर विश्व में सबसे ज्यादा लवणता वाला सागर कौन सा होगा, मर्त सागर होगा, जिसमें लवणता कितनी, 238 प्रति हजार। यानी लेक वोन के बाद में ना सबसे ज्यादा लवणता किसमें है, मर्त सागर में ही है। क्लियर बात है। इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो जब बात टंगस्टन की जाए तो राजस्थान में टंगस्टन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, नागौर के अंदर होता है। अगर आपने नागौर के अंदर गोठ मांगलोद क्षेत्र का नाम सुना है, कौन सा क्षेत्र है, गोठ मांगलोद क्षेत्र, इस गोठ मांगलोद क्षेत्र में जो रेवत की पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ियां, रेवत की पहाड़ियां, ये रेवत की पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए आपने राजस्थान में टंगस्टन उत्पादन का जो दूसरा क्षेत्र है वो क्षेत्र आपका वालदा क्षेत्र, ये वालदा कहां पर है, सिरोही जिले के अंदर है। तो राजस्थान में टंगस्टन के लिए ये दो मुख्य क्षेत्र है, एक तो गोठ मांगलोद क्षेत्र जहां पर रेवत की पहाड़ियों से टंगस्टन का खनन किया जाता है, यहां पर वर्तमान में टंगस्टन का उत्पादन बंद पड़ा है। अब वर्तमान में राजस्थान में टंगस्टन का जो उत्पादन हो रहा है वो कहां से हो रहा है, वालदा सिरोही से हो रहा है। तो इन चार ऑप्शन में अपना सही आंसर क्या होगा, नागौर होगा। क्लियर बात है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण किसके लिए लाभदायक है। तो आप यहां पर देख सकते हो सिंचाई के लिए है, कृषि के लिए है, जल विद्युत उत्पादन के लिए है, या भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो जब अपन किसी सिंचाई परियोजना की बात करें, कृषि के लिए बात करें, तो उसमें अपन को बहुत सारे जल की आवश्यकता होती है। अपने जल विद्युत के लिए उस जल के अंदर यांत्रिक ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो इन चार ऑप्शन को अपन देखते हुए, वैसे तो आवश्यकता सभी के लिए पड़ती है अपन को, लेकिन इन चार ऑप्शन में इसका सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता अधिक रहती है। अगर वर्षा के जल को, चाहे वो छत के रूप में हो, छत का जल हो, चाहे अपने खेतों का हो, उसको अपने खड्डों के माध्यम से या अन्य किसी भी विधि के माध्यम से अगर उस जल को अपने भूमिगत रूप में उतारते हैं, तो उससे जो भूमिगत जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है, उस स्तर के अंदर धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? तो देखो यहां पर चार ऑप्शन है। जब अरावली के उच्चतम शिखर की अपन बात करें तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू सिरोही में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1727 मीटर। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। क्लियर बात है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी
अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। तो यहां पर देखो, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? शेर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597। जबकि अपन जरगा की बात करें तो जरगा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1431 मीटर है। शेर की अपन बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। तारागढ़ की अपन बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर है। और अचलगढ़, ये कहां पर है? सिरोही के अंदर। इसकी जो ऊंचाई है वो 1380 मीटर है। तो इन चार चोटियों में जरगा कहां पर है? उदयपुर में, जो उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है, जो बोराट का पठार है उस पठार के ऊपर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर। अपने तारागढ़ है या अजमेर के अंदर, इसकी ऊंचाई 873 मीटर है। अचलगढ़ कहां पर है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। तो अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है वो अपने सिरोही के अंदर कौन सा है? शेर। तो इस प्रकार आज की वीडियो में आपने पढ़ा कि अपने आरटेट 2011 की एग्जाम में अपने ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा की है। अपन नेक्स्ट वीडियो में जो आगामी या 2011 के बाद में जो आपकी रेट की भर्ती हुई थी उन भर्तियों के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।